इधर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है, जब भी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया जाएगा बीजेपी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव आयोग का, इंस्टीट्यूशंस का, लोकतंत्र का सम्मान करती है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। हम विश्व की नानी दादी हैं लोकतंत्र के मामले में। और चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट सम्मानित संस्था है, जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश चुनाव का इतना बड़ा संचालन कैसे किया जाता वो समझते हैं। और निश्चित रूप से एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते जम्मू कश्मीर के चुनाव की जो भी घोषणा होगी भारतीय जनता पार्टी उसमें भागीदारी करेगी। चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते उन डेट्स का जब भी चुनाव घोषित होगा उसमें पार्टिसिपेट भी करेगी। और जिस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है, जिस जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया था इन तीन परिवारों ने, गांधी नेहरू परिवार, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार ने, आज उस टैग से निकलकर जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना। जहां बायकॉट की राजनीति होती थी वहां भारी पोलिंग की राजनीति होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास व विश्वास दोनों ही वहां खड़े किए हैं। आज लोगों को पूर्ण विश्वास है 370 और 35 की जंजीरों से टूटने के बाद तेजी से जम्मू